किसान साथियों नमस्कार। बात कर लेते हैं इंदौर मंडी के आज के फाइनल भाव के बारे में। किसान साथियों आज फाइनल जो भाव की स्थिति है किसान साथियों, माहौल में तेजी देखने को मिली है। 1 से 1.5 रुपए की उछाल आज के दिन मंडी में देखने को मिली हुई है। किसान साथियों हम आपको बता दें, क्योंकि अब तो किसान साथी भी होशियार हो चुके हैं, आवक आज के दिन कम देखने को मिली थी, उसका असर कहीं ना कहीं मंडी का प्रभाव देखने को मिला हुआ था। सीधा सीधा 1 से 1.5 रुपए की उछाल आज के दिन इंदौर मंडी में देखने को मिली है। तो चलिए जान लेते हैं आज का फाइनल भाव। सुबह से लेकर शाम तक की अपडेट, रिपोर्ट, आवक, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कैसी स्थिति है, कैसा माहौल है, कैसी आवक है, कैसी स्थिति है। आवक की अगर बात करें तो 40 से लेकर 45-50 हज़ार कट्टे के बीच में देखने को मिली हुई है आज के दिन इंदौर मंडी में किसान साथियों। वहीं पर अगर बात करें नीलामी रिपोर्ट की, तो कल जो माल 3300, 3400, 3500 बिक रहा था, वो आज 3600, 3700, 3800 बिक रहा है। सीधा सीधा 1 से 1.5 रुपए उछाल है। ऊपर में अगर प्याज की बात करें तो 4000, 4100, 4200 रुपए के जो भाव हैं वो देखने को मिले हुए हैं इंदौर मंडी में। मतलब हम कह सकते हैं माहौल अच्छा है, लेवाली में जोश देखने को मिला हुआ है और किसान भाइयों भी आज कम आवक लेके गए हैं, तो इसका सीधा सीधा असर रुपए पर पड़ा है, भाव पर पड़ा है। तो जिससे जितने भी किसान भाई हैं उनसे हमारा इतना ही अनुरोध है, अगर आप आवक कम कम लेके जाएंगे तो भाव अच्छे रहेंगे, भाव अप रहेंगे, तेजी बरकरार रहेगी। अगर एक साथ 1 लाख, 1 लाख 20 हज़ार कट्टे दे देंगे मंडी में तो थोड़े बहुत गिरावट भरी जो भाव की स्थिति है वो देखने को मिलेगी। तो आज की जो स्थिति है काफ़ी हद तक 3800, 4000 के करीब 4000, 4100, 4200 के करीब जो भाव है, मतलब 3500 रुपए से लेकर 4000 के करीब जो भाव है आज के दिन देखने को मिला है। सीधा सीधा 1 से लेकर 1.5 रुपए की उछाल बनती हुई नज़र आई है। किसान साथियों जो मीडियम वाला प्याज है वो तो आप लगा ही लेंगे अंदाज, 2500 रुपए से लेकर 3000, 3100, 3200 की रेंज में बिका हुआ है। छोटा छटन, मिक्स, गोल्टा, गोल्टी, सारा माहौल आज के दिन अच्छा देखने को मिला है। ऑल ओवर मंडी की जो स्थिति है आवक पर ही डिपेंड है। सारे किसान भाइयों से अनुरोध है, प्याज बेचिए, धीरे धीरे करके बेचिए, अपने जितना स्टॉक कर रखा है, नया प्याज है, पुराना प्याज है, सारी जो स्थिति है वहाँ पर। अगर बात करें महाराष्ट्र के प्याज की भी स्थिति अच्छी देखने को मिली चारों तरफ। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी आज 4000 के ऊपर का उछाल देखने को मिला हुआ है मंडियों में। हर मंडियों की स्थिति बहरहाल अच्छी देखने को मिल रही है। और सबसे अप की बात करें तो महाराष्ट्र की और चेन्नई की अप रहती है। उसकी बाद अगर बात करें तीसरे स्थान पर, अगर मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी की बात करें तो इंदौर मंडी का जो स्थान है काफ़ी हद तक उछाल पर देखने को मिल रहा है। तेजी बरकरार है, माहौल भी अच्छा है, आवक कम लेके जाइए, पैसा अच्छा कमाइए। सभी किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है, अच्छे रेट में आप अपनी फसल बेचिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से आप फसल उत्पन्न करते हैं, उसमें उसका अगर भरपूर लाभ ना मिले तो बेकार ही है किसान साथियों। इससे आपसे अनुरोध है। और अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको।